नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस बाय विवेक सर यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम लोग एक ऐसा सवाल करने वाले हैं जो पिछले कुछ वीडियोस में बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, और वो सवाल था कि हाउ टू अटेम्प्ट मैप्स, कि भाई जो बोर्ड में आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। देखिए, पहले की बात की जाए तो पहले बड़ा आसान था कि जो मैप दिए गए हैं आपके बुक्स में उनको स्टडी कर लिया और क्वेश्चन वहाँ से आ गया। लेकिन हर साल CBSE जो है वो पेपर अपना चेंज करती है, जो मैप क्वेश्चन है ना आपका वो चेंज कर रही है। क्या चेंज कर रही है हम देखते हैं। अब होगा क्या, हुआ ये है अब कि जो CBSE पे बनाती है आपका, वो पेपर में जो क्वेश्चन दे रही है वो दे रही है बुक के बीच में से। अब वो बुक में से कैसे दे रही है हम वो आज बात करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है हमारी वो एक प्रैक्टिस बेस्ड वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मैप बेस्ड है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अपने ढूंढिए इसके आंसर और मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप पे इसके आंसर आप सेंड कीजिएगा, एंड आई विल टेल यू कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही हैं या नहीं है, और किस तरीके से आप कोई मैप का जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जो भी आपका क्वेश्चन डिमांड करता है, जो भी डिमांड क्वेश्चन कर रहा है आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि चिपको आंदोलन या फिर चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है जो था का मूवमेंट, ये आपका हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन मैप में उत्तराखंड कहाँ पर है। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें, सो अगर पूरे वर्ल्ड में आपसे पूछें कि भाई USSR ने कहाँ पे मिसाइल को इंस्टॉल किया था, तो कहाँ किया था? क्यूबा में। सो गाइस, यू शुड नो क्यूबा कहाँ पर है पूरे वर्ल्ड मैप में। तो ये जो नया तरीका आया हुआ है मैप को सॉल्व करने का, आपको ये जो है वो पता होना चाहिए। सो अब हम लोग आगे चलते हैं और उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपको मुझे आंसर करने हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले आपके क्या आते हैं, सबसे पहले आपके आते हैं इंडियाज मैप्स क्वेश्चन, कि इंडिया के मैप से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, इन 1974 JP नारायण वॉज इन्वाइटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ विस स्टेट। मतलब क्या है इसका, कि भाई जो आपका 1974 में JP को बुलाया था, और किसने बुलाया था? स्टूडेंट्स ने बुलाया था। कहाँ बुलाया था? एक मोमेंट ने बुलाया था उन्होंने, तो वो मोमेंट था कहाँ पे, किस स्टेट में मोमेंट वो जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था आपका। आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोध चंद्र सिंह वॉज महाराजा ऑफ विस स्टेट। जो आपके बोध चंद्र सिंह थे वो कौन से स्टेट के किंग थे, कहाँ के वो आपके महाराजा थे आपके वो। नेक्स्ट पॉइंट, के कामराज का आपने सुना होगा नाम, के कामराज एक प्लान भी था आपका, क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। के कामराज वॉज द CM ऑफ विच स्टेट। आपको इसका आंसर भी पहले तो पता होना चाहिए स्टेट कहाँ पे है, फिर आपको इंडिया के मैप में उसको लोकेट करना है। एंटी एरेक मोमेंट वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। एंटी एरेक मोमेंट जो है वो किस स्टेट में हुआ था, और गोधरा राइट्स और गुजरात राइट्स जो आप सब जानते हैं जो 2002 में हुए थे, ये किस स्टेट में हुए थे। ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे 5 स्टेट लिखने हैं, ठीक है, कि वो कौन कौन से स्टेट थे आपके। कुछ इस तरीके से आपके इंडिया के मैप जो बुक्स है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं मैप बेस्ड। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, हम लोग वर्ल्ड की बात करते हैं कि वर्ल्ड्स मैप क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच कंट्री क्योटो प्रोटोकॉल वॉज साइन। किस कंट्री में क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था आपका। वेयर वॉज अर्थ समिट हेल्ड। अर्थ समिट किस कंट्री में हुआ था, कब हुआ था ये, 1992 में हुआ था। ये किस कंट्री में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज फेसिंग एथनिक कन्फ्लिक्ट। ऐसी कौन सी कंट्री है जो जातीय संघर्ष, जातीय लड़ाई देख रही है, वो लिखनी है आपको यहाँ पे कंट्री। हु इज द सक्सेसर ऑफ USSR, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इन्वेडिड कुवैत। कुवैत पे किसने, मतलब किसने उस पर कब्जा किया था, किसने उस पर हमला करने की बात स्टार्ट की थी। यहाँ से बेटा आपके ये 5 क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड मैप की बुक से हैं, और आपके 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए बाकी वो आपके इंडिया वाली बुक से हैं आपके। ये 10 क्वेश्चन के आपको मुझे आंसर करने हैं। कैसे आंसर करेंगे, देखिए
आंसर करने के आपके दो तरीके हैं, या तो आप इन 10 आंसर को कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट के थ्रू बताइए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे अपने आंसर दीजिए, ठीक है। और अगर आप एक इंडिया का मैप लेके और अगर आप एक वर्ल्ड का मैप लेके उसमें लोकेट करके मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, उससे आपकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक 12th पॉलिटिकल साइंस के इंग्लिश मीडियम के नोट्स नहीं मिले हैं, सो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको विद इन 2 hours 10 minutes जितना हो पाएगा मुझसे जल्दी मैं आपको अपने नोट्स जो है वो 12th पॉलिटिकल साइंस के सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब पॉलिटिकल साइंस बाय विवेक सर।